सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त दाऊ कपूर, और आप देख रहे हैं लेट्स गो विद दाऊ कपूर। सो ये वाली जो वीडियो है ये एक व्लॉग नहीं है, ये एक रिव्यू है शेवले सेल के लिए, शेवले सेल डीजल के लिए। सो आप इंजॉय करें इसे। तो भाई जैसे उस टाइम पर होंडा मेज और भी काफी गाड़ियां थी जो इसके मुकाबले की थी, तो आपने इसी को क्यों चूज किया? यार इसकी लुक देख जाना, तो आगे पीछे क्या बढ़िया लुक है गाड़ी की, एक एक शार्पनेस। तो वो ये टाइम दिमाग में रखना, 2013 के हिसाब से बनी है गाड़ी, 2013 के हिसाब से, मतलब तकरीबन 10 साल होने वाले हैं अभी, तो 10 साल बाद भी गाड़ी। तो आपको कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने ये क्यों ली, काश मैं कोई और ले लेता? रिग्रेट तब होता कि मैं वो गाड़ियां ले लेता, क्योंकि उनके मॉडल चेंज हो चुके हैं, अब उनकी कितनी जनरेशन आ चुकी हैं। अब ये एक बार, ये ऐसी कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनी है, ये एक बार ही निकालती है मॉडल बढ़िया, ये एक बार ही निकालेंगी मॉडल और बस उसी में ही फुल सेटिस्फाई हो जाता है बंदा। हम बात है इसके अंदर, कुछ कमियां तो हैं पता है। हम बात कर रहे थे इसके इंजन की, तो इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन बताओ आपकी कितना। ये तकरीबन 78 bhp की पावर है इसके अंदर, एक bhp ज्यादा है स्विफ्ट डिजायर से, और उस टाइम पे होंडा अमेज आती थी 99 bhp, बट इसका जो डायमेंशन है उन दोनों गाड़ियों से ज्यादा अच्छा है, बड़ा गाड़ी, बड़ी गाड़ियों में सब 4 मीटर में होंडा अमेज से तो बड़ी है। हाँ, सब 4 मीटर में नहीं आती है गाड़ी। इस साइड इधर आओ, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि आपने आफ्टर मार्केट बहुत कुछ करवाया हुआ है इसमें। आफ्टर मार्केट है, ये क्रोम, ये मैंने खुद से लगवाई है, ऊपर ये क्रोम लगवाई है, और टेपिंग, ब्लैक कलर की टेपिंग आजकल टॉप मॉडल्स में बहुत आ रही हैं, और ये इसकी आईज थोड़ी सी और शार्प करने की कोशिश की हुई है, और ये काफी किलर लुक दे रही है गाड़ी को। इस गाड़ी में मैं देख रहा हूँ आपने लोगों में ब्लैक टेपिंग करवाई हुई है, तो ये काफी यूनिक लग रहा है जो आपने क्रोम करवाया हुआ है, ब्लैक साइड क्रोम ब्लैक करवाया, बाकी सब ये कंपनी के साथ ही है जो पहले से। आपको इतना टाइम हो गया गाड़ी को, तो एक बार इसकी इंजन बता दो कैसा है। इंजन है इसका 1300 cc का, थोड़ा अंधेरा हो गया तो शायद दिखेगा नहीं, ये फुल पैक है आजकल की गाड़ियां देखना, अब आजकल की गाड़ियां देखना खाली होती है पूरी, यहाँ से प्रॉपर टर्बो फुल पैक है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल हाथ लगाने तक की जगह नहीं है। ये देखो, और ये जिस तरह से इन्होंने पकड़ा है, इसका रूफ भी काफी भारी है। ऐसे नहीं है हल्का लफाफा नहीं है। हाँ, एक मेन पॉइंट, जिस टाइम ये आती थी ये 200 किलो ज़्यादा वेट था इसका स्विफ्ट डिज़ायर से, वेट में भी ज़्यादा है। इंजन ये फिएट का यूज़ करते हैं, ये शेवरले ने, टाटा ने और स्विफ्ट डिज़ायर में, तीनों में सेम इंजन आते थे उस टाइम पे। अब 1300 cc का बूस्टर जेट। अब एक बार हम दाओ भाई गाड़ी अंदर से देखेंगे क्या बोलते हैं। गाड़ी में एम्बिएंट लाइट लगाई है, स्क्रीन लगी है, बस ये ब्लैक करवाया मैंने और कुछ भी नहीं कराया, बाकी वैसा ही है सब कुछ। तो अगर आपका जैसे ये स्क्रीन आपने आफ्टर मार्केट लगवाई है, तो इसमें कोई दिक्कत वगैरह या कुछ गाड़ी में? नहीं, कोई दिक्कत, कोई बैटरी पे या कुछ? नहीं, भी इंटीरियर में मैंने ये सिर्फ ये चेंज करवाया था, क्योंकि यहाँ पे परफ्यूम लगा था तो उसका लिक्विड निकल गया, यहाँ खराब हो गया था, तो मुझे ये सारा चेंज करवाना पड़ा। ये आपको इजीली अवेलेबल हो गया था? इजी बूडमो में इजी आ गया था, मेरे घर तक पहुंच गया था ये, ठीक है वो, और अंदर काफी जगह, और मैटिंग करवाई है मैंने, मैटिंग करवाई हुई है इसके अंदर, फ्लोर मैटिंग करवाई है, एम्बिएंट लाइट मैंने बता दिया, जगह काफी है इसमें।
सब सामान पड़ा हुआ। मैं देख रहा हूँ इसमें गियर बॉक्स के आगे भी स्पेस दिया हुआ है, गियर बॉक्स के आगे भी जगह है, यहाँ पे भी है जगह, सामान बहुत पड़ा है। और इसके गियर यूनिक, आजकल की गाड़ी में भी नहीं आते इस टाइप में, छोटा गियर, बिल्कुल इजी टू ड्राइव। अरे पांच गियर वाली है, इसका रिवर्स गियर तब भी आगे दिया हुआ है, आगे को डलता है, जैसे फर्स्ट गियर डलेगा वैसे रिवर्स गियर डलता है। कैमरा भी लगा है साथ में, कैमरा भी बाद में लगवाया। अब आपको मैं पीछे ले चलता हूँ। तो जैसे कि मैं बता रहा था, इसका डीजल टैंक है सेंटर में, तो इसकी जगह नीचे काफी है, उसकी वजह से यहाँ पे सामान डालने को जगह हो जाती है। ये इसमें और एक होंडा सिटी पुरानी वाली में जगह थी। बूट स्पेस, और बूट स्पेस भी ठीक है इसका, काफी अच्छा है। ये सामान थोड़ा बड़ा है, ये कार की किट स्पेशल किट इसमें ब्रेक ऑयल सब कुछ पड़ा हुआ है गाड़ी के अंदर, पॉलिश शैम्पू। ये कार में वूफर भी रखवाया मैंने, म्यूजिक सिस्टम JBL का म्यूजिक सिस्टम। आपने बैक में भी मैं देख रहा हूँ ये लाइटों पे, हाँ ये थोड़ी मेरी क्रिएशन थी, वाइट कलर की करवाया मैंने, लिप स्पॉइलर लगवाया, ये लिप स्पॉइलर, और ये मेरी खुद, मैंने ये खुद डिजाइन करवाया, ये ब्लैक कलर टेपिंग करवा के। जैसे ही कंपनी बंद हो गई हुई है तो आपको कभी दिक्कत आया इसका कोई बॉडी पार्ट्स या कुछ? हाँ, बॉडी पार्ट में कभी कभी बड़ी दिक्कत आती है, से राइट होने तो कुछ बड़े फायदा उठा लेते हैं इस चीज का। जैसे कोई 1000 की चीज हुई वो, तो वो 2000 में मिलेगी, बट गाड़ी इतनी बड़ी है मैं 2000 खर्चने को भी तैयार हो जाता हूँ कि मेरे को अवेलेबिलिटी चाहिए। आपने जूम करना है इस पे, 2,81,533 किलोमीटर चल गई गाड़ी इस टाइम तक, चला दी आपने गाड़ी, और वही शुभ बताएगा कैसी चल रही है अभी भी गाड़ी। भाई मेरे हिसाब से तो अभी भी बिल्कुल सही चल रही है। तो इसका आपको कितने नियर बाई, कितना दूर पड़ जाता है इसका सर्विस स्टेशन? कहाँ? जलंधर। अच्छा, जलंधर का। मैं रहता हूँ चिंतपुर्णी हिमाचल प्रदेश, तो मेरे उधर से तकरीबन 100-120 किलोमीटर के करीब है जहाँ सर्विस स्टेशन है। सब कुछ मिल जाता है, बट मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो दुबई से, दुबई में था, शेवलेट में लगा हुआ, तो उसने वहाँ पे सारा सीख के आया काम, वो पंजाब में करता है अपना। बात काट रहा हूँ पर इसके गियर अभी भी ऐसे हैं, मतलब उस टाइम की गाड़ियों के हिसाब से देखें तो ये आज भी काफी अच्छी चल रही है। हाँ, गाड़ी 2013 मॉडल है ये गाड़ी, ठीक है, 2013 मॉडल गाड़ी है। उस टाइम पे गाड़ियाँ आती थी होंडा अमेज और स्विफ्ट डिजायर, तो स्विफ्ट डिजायर और होंडा अमेज से लंबी चौड़ी, हाइट में थोड़ी कम थी क्योंकि हाइट बढ़ जाती है तो वो बॉडी रोल बढ़ जाता है फिर। सही बात है। बाकी गाड़ी मतलब कोई ऐसे देख के बोल नहीं सकता कि लंबी है या तो छोटी गाड़ी है, जैसे स्विफ्ट डिजायर को उस टाइम पे देख के बोलता था। और एयर बैग दोनों मिलते हैं इसमें, ABS, EBD, जो सेफ्टी फीचर उस टाइम पे नहीं पता थे लोगों को, ये वो सेफ्टी फीचर है उस टाइम ही, तो 2013 मॉडल के हिसाब से। अब कंपलसरी हो गया है कि एयर बैग भी देने हैं, ABS भी देना है, EBD भी देना है। उस टाइम पे 2013 की बात है, तकरीबन 9 साल तो हो चुके गाड़ी को, बहुत अच्छी चल रही गाड़ी। जैसे आप इसको आपके चैनल पे देखता हूँ मैं, आप लॉन्ग टूर पे भी लेके गए हो तो तब कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ ये लास्ट टाइम से थोड़ी दिक्कत शुरू हुई इसकी। अभी हम वृंदावन गए थे तो वहाँ पे मोटर, फैन मोटर इसकी खराब हो गई थी, तो वो भी हमें इजी मथुरा में मिल गई थी। वो भी बाहर लोकल मैकेनिक, लोकल उस बंदे ने ठीक कर दी, पर लोकल मैकेनिक भी हाथ नहीं डालता इसको, इसके लिए कंप्यूटर से होती है ना फिर ये, मतलब इसका बोनेट भी खोल के दिखाएंगे, जगह नहीं है इसके अंदर हाथ डालने की, पैक है पूरा इंजन। मतलब एक उस टाइम पे 8 लाख की गाड़ी थी और आज के टाइम में 8 लाख की गाड़ी क्या है? अगर हम सोचें कि आज कुछ गाड़ी लें इस लेवल की, तो इस लेवल की गाड़ियां 12-13-14 लाख पहुंच गई है, 14-15 लाख तो छोटी बलिनो वगैरह भी, हाँ हाई रेट पे चली गई। बिल्कुल, बलिनो
11,70,000 की पड़ जाती है मेरे ख्याल से, वो भी पेट्रोल और ये डीजल है। कैसी तो आपका कोई और प्लान है कि इसको बेचू मैं फिर? नहीं, इसको बेचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ऐसी गाड़ी अब नहीं मिलेगी डीजल के साथ। मतलब तू यकीन नहीं करेगा, इसका डीजल टैंक है 44 लीटर का। अच्छा, और उस टाइम पे अमेज, ये नई वाली अमेज है, कैमरामैन दिखाओ जरा, ये नई वाली अमेज है जो उस टाइम पे अमेज आती थी, उसका था 34 लीटर का टैंक और स्विफ्ट का था 40 लीटर का टैंक, और इसका है 44 लीटर का टैंक। तो जितना बड़ा टैंक, और इसकी टैंकी है सेंटर में, ये जहाँ पे हैंड ब्रेक है वहां पे इसकी टैंकी, तो उसकी वजह से जहाँ पिछला पैसेंजर बैठा है उसके नीचे जगह भी है, इसमें सीट के नीचे भी जगह है। अच्छा, स्पेस स्पेस काफी है, डिक्की में भी काफी स्पेस है। अभी हम आपको आगे वीडियो में, थोड़ा सस्पेंशन का प्रॉब्लम होती है बट वो एक बार ठीक करवा लें तो अच्छा हो जाता है सारा। सर्विस का बता रहा था मैं, जैसे कि सर्विस इसकी होती है जलंधर, और लोकल एक लोकल मैकेनिक है मेरा, बड़ा अच्छा फ्रेंड है, उसके उसके पास सारे पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, उसके पार्ट आते हैं दिल्ली से, तो वो सारी सर्विस आराम से कर देता है। ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, लेह लद्दाख गाड़ी जा चुकी हुई है, लेह लद्दाख खारजूंगला पास वगैरह जोजीला पास सब किए हैं इसमें, काजा किन्नौर सब कुछ किया है इसमें। तो आपका पर ट्रिप में क्या माइलेज देती है लॉन्ग ट्रिप में? 18 से 20 की एवरेज देती है। अब जरा तो ये फ्रंट में भी आपने बहुत नया शायद प्रोजेक्टर लगवाए हैं आपने नीचे? ये IPH सीरीज के प्रोजेक्टर हैं, IPH प्रोजेक्टर्स बोलते हैं इनको। इनके अंदर जो जैसे फ्रंट हेडलाइट में होता है, क्या बोलते हैं उसको, लाइट ऊपर नीचे डीपर टाइप, डीपर इसमें दोनों में चलते हैं। अच्छा, भी मैंने LED लगवाई है और नीचे भी LEDs लगी हुई हैं। तो इसे आपको बैटरी में कुछ जैसे? ना, बल्कि रात को गाड़ी चलाने में एक्सपीरियंस। एक बार इनको ऑन करके बता दो आप। तो भाई आपने जो ये प्रोजेक्टर लगवाए हैं तो इसका आप थोड़ा एस्टिमेट बता सकते हो कि कितने के लगाए हैं आपने? नीचे एस्टिमेट बताऊं मैं तो IPH प्रोजेक्टर लगे हैं इसमें, जो मुझे अराउंड विद LED 7,000 रुपये के पड़े थे, सिर्फ नीचे फॉग लाइट की प्रोजेक्टर, और ऊपर ये 4,000 की 6,000 की लाइट्स में भी पड़े थे जो डिम, और इसके पार्किंग बल्ब भी इनके साथ ही दिया था इन्होंने। तो ये आपने अलॉय इसके कितने इंच है? 14 इंच के अलॉय हैं। तो आपको जैसे अगर जब गाड़ी फुली लोडेड हो या 5 बंदे बैठे हो तो इसमें टायर वगैरह तो नहीं लगता? इसका ओरिजिनल साइज ही 14 इंच था, ये मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ टायर ब्रोड डाला है, जो क्योंकि कंपनी टायर साइज देती है वो आता था तकरीबन 165, 70 और 14 इंच, अभी मैंने वो 185 करवा दी है, अपग्रेड कर दिए टायर, उससे हुआ हैंडलिंग अच्छी होगी गाड़ी में। आपने यहाँ पे भी शेवलेट की बैजिंग करवाई है, शेवलेट 63। शेवलेट 63 थोड़ा शौक कर लिया पूरा। अच्छा वंशु बता, अब तू बता, मैंने तो बोल लिया, अब तू बता बर्थडे बॉय कि क्या बोलना चाहेगा तू गाड़ी के बारे में? पसंद है ये गाड़ी। है ना, इसको जितना मर्जी चला लो कभी बंदा थकेगा नहीं। हाँ, इसमें इसमें आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन ही ऐसी कि आप कहीं से भी चल जाओ आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहो। हाँ, सबसे प्यारी चीज इसकी छत जो काली करवाई है ना, बिल्कुल, मतलब इससे पता नहीं चलता ये सेल है शेवलेट की गाड़ी है या क्या है, इसे टोटली चेंज हो जाती है सब, इसमें सब कुछ मैंने चेंज करवाया हुआ है सारी गाड़ी। सुबह 4-4 बजे उठ के हमने गाड़ी साफ करी है। जब वंशु छोटा था उस टाइम पे तभी आज इतना चमक रही है। हाँ,